सो हाय गाइज़, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। सो गाइज़, मैंने बहुत सारे बच्चों की कमेंट देखी थी कि बहुत सारे बच्चे जो है पेपर को टफ़ लेके वो कट ऑफ में थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या कट ऑफ इस साल लो जाएगा। तो उसमें मैंने सोचा क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना देते हैं ताकि उन सबके बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएँ। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि अपन बात करें, जो अपन बीएससी के लिए मेनली तीन सब्जेक्ट रिक्वायर होते हैं, जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो इनका जो पेपर था वो कोई बहुत हाई फाई नहीं था ना, बहुत टफ था। तो इनमें बहुत कम चांसेस हैं आपके कट ऑफ कम जाने के, मतलब कट ऑफ वही जाएगी जो पिछली बार जाती थी। तो मोस्टली जैसे 420 415 इतने मार्क्स आपके लिए 600 में रिक्वायर होते थे, तो इस बार भी वही रहेगा, कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की, तो यार बीएससी एग्रीकल्चर में भी सेम रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें भी अगर आप जनरल हैं तो इन सब पे देखो मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो बेसिकली आप उन वीडियो को देख सकते हैं जाके और सारे डाउट आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, कट ऑफ वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पेपर को लेके कि जैसे बीए की अगर मैं बात करूँ तो जनरल टेस्ट टफ था और इंग्लिश का पेपर भी मैंने देखा, उसमें 4 पैराग्राफ थे, तो वहाँ पे आपको कट ऑफ 20 नंबर या 15 नंबर आपको कम देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो मैंने सेम वीडियो बना चुका हूँ बायोलॉजी पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। यही कट ऑफ रहेगी, इससे अगर कम गई तो 5 नंबर कम जाएगी, बट आप ये मत सोचिए इसमें 20 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत रहता है और पेपर इतने भी इजी नहीं थे। हाँ, अगर गया तो 10 नंबर आपको कम मिल सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे के जिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ने 40 में 35 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो वेटेज रहा है, मैक्सिमम जो क्राउड रहा है अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो सेम आपका मैथ्स में भी रहेगा, तो इन सब पे वीडियो पड़ चुकी है, केमिस्ट्री का व्लॉग और फिजिक्स का भी व्लॉग है, तो उसको आप देख सकते हैं। और रही बात बीए आर्ट्स की, तो बीए आर्ट्स में यार देखो मैं बता दूं, जैसे मेनली अगर इंग्लिश ऑनर्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और जितने भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, तो ये जो आपके कोर्सेज हैं, जो वैल्यूएबल कोर्सेज हैं, जिनकी जो मोस्टली डिमांडेड होते हैं बच्चों के जो लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी ऑनर्स वगैरह की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, 220 230 पे भी आपको मिल जाएगा अगर आप जनरल हैं, और जो अच्छे कोर्सेज हैं वो आपको 270 पे मिलेंगे, बट इस बार हो सकता है वो 250 पे आपको मिल जाए, क्योंकि बीए की कट ऑफ कम जा सकती है, क्योंकि यार दोनों ही पेपर टफ थे। और जनरल टेस्ट में अगर मेरे को लग रहा है इस बार कि आपके अगर 170 प्लस हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। सो बिल्कुल चिल रहें, पेपर का वेट करें, रिजल्ट का वेट करें, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपको ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।